तो दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने इंडिया में 2.5 लाख रुपए का स्मार्टफोन शोकेस कर दिया है। क्या खूबियां होने वाली है इस स्मार्टफोन में, कब तक ये लॉन्च होगा और क्या इसके पीछे मोटो कंपनी ने रखा है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी की। इंडिया में शाओमी ने बहुत ही कम समय में नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी होने का लेबल हासिल किया है। नए नए स्मार्टफोन कम कीमत में बढ़िया बेनिफिट्स के साथ, फीचर्स के साथ में उसने लॉन्च करके ये मकाम बनाया है अपने लिए। जब शाओमी ने अनाउंसमेंट किया था इंडिया में कि वो अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लाने वाली है, वो भी 2.5 लाख रुपए के आसपास, किसी ने सोचा नहीं होगा उस समय पे। लेकिन अब असल ये है कि शाओमी ने इस फोन को शोकेस कर दिया है। फोन का नाम है मी मिक्स एल्फा। ये स्मार्टफोन की कीमत लगभग, शाओमी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, कि 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच में फीचर्स के हिसाब से कीमत हो सकती है इस स्मार्टफोन की। ये स्मार्टफोन फोल्डेबल डिस्प्ले के अंतर्गत कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। अगर शाओमी से पहले बात करें तो इस फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन पहले ही सैमसंग, वाबी और मोटरोला जैसे स्मार्टफोन शोकेस कर चुके हैं अपने फोल्डेबल डिस्प्ले स्मार्टफोन को। अब शाओमी ने, क्योंकि इंडिया को टारगेट करते हुए इस फोन का अनाउंसमेंट किया था, तो ये फोन शोकेस हो चुका है। 2.5 लाख रुपए की कीमत होगी। क्या फीचर होंगे उसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं। जैसा कि शाओमी का ये फोन मी मिक्स एल्फा डिस्प्ले हो गया है, तो इसको फोन की इमेजेस जैसा कि हम लोगों के सामने आ रही है, तो इस फोन को देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से डिस्प्ले पर बेस्ड फोन है। जैसा कि इमेजेस में आप देख सकते हैं कि इसको फोल्ड करने के बाद आपको चारों तरफ इसके एक रैप दिखाई दे रहा है, जो रैप आपके इस फोन की डिस्प्ले को सपोर्ट भी देगा। जब फोन के बंद करने के बाद आपको बताएं, तो बैक साइड में आपको एक सिरेमिक स्ट्रिप दी जाएगी ताकि आप इस फोन को होल्ड कर सकें, बढ़िया से इसको पकड़ सके, फोन को आपके हाथ से फिसले नहीं, वो सिरेमिक स्ट्रिप होगी। बाकी जो फीचर है, स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में भी, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर इस फोन के रैम की बात करें तो शाओमी की तरफ से इसमें 12 GB रैम का अनाउंसमेंट अभी तक किया गया है। इंटरनल स्टोरेज 512 GB का मिलेगा, जिसको आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते एक्सपेंड, उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। अगर हम ओवरऑल डिजाइन पर बात करें तो इसमें कोई भी आपको स्पीकर नहीं मिलेगा। अब आप साउंड, यानी कि कॉल करेंगे या म्यूजिक या वीडियो देख रहे हैं, तो साउंड कहां से आएगा? उसके लिए आपको डिस्प्ले के थ्रू ही इन्होंने जो साउंड है उसको इमिट करेंगे, यानी कि वो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ताकि डिस्प्ले के थ्रू ही आप साउंड यूज कर सकें, तो आपको इसमें स्पीकर नहीं मिलेगा। साथ में सिर्फ पावर बटन इसकी बॉडी पर दिया गया है। अब क्योंकि ये फोन डिस्प्ले बेस्ड फोन है, तो डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं। तो फोन की डिस्प्ले 7.92 इंच बताई जा रही है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है फोन का, वो 180.8% है। यानी साथ में कैमरे की अगर बात करें तो इस फोन में निराशा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ फोल्ड करने के बाद फोन को सेल्फी कैमरे के तौर पर यूज करना चाहते हैं, वो इसमें नहीं है। क्योंकि पूरी डिस्प्ले बनी हुई है, सिर्फ बैक साइड में आपको वर्टिकली 3 कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिसमें कि जो मेन कैमरा है प्राइमरी, वो 108 मेगापिक्सल का जो सैमसंग सेंसर है उसको यूज किया गया है। साथ में आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलेगा। ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसको सेल्फी के तौर पर आप फोन को अनफोल्ड करने के बाद यूज कर सकेंगे। अगर फोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 855+ SoC चिपसेट यूज किया गया है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है फोन 4G और 5G दोनों ही वेरिएंट में हम लोगों को देखने को मिल जाए। आपको पावर के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब इसके बैटरी की कैपेसिटी जो है वो अभी नहीं सामने रखी गई है, लेकिन चार्जिंग को लेके सामने कुछ अनुमान आ गए हैं। जैसा कि जानकारी मिली है कि इसमें 40 वाट का फास्ट वायर्ड चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल सकता है, वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं मिल रही है आपको। और बैटरी की कैपेसिटी का अगर अनुमान भी हम लोग लगाते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से आपको 4000 mAh तक की बैटरी या 5000 mAh तक की बैटरी हम लोगों को देखने को इस फोन में मिल सकती है। कीमत तो आपको बताई दी है कि 2.5 से 2.5 लाख रुपए के बीच में इसकी कीमत तो होने वाली है। और फोन हो गया है शोकेस इंडिया में, कब तक होता है ऑफिशियली लॉन्च,
ये देखने वाली बात होगी कितना ये फोन दूसरे फोल्डेबल स्मार्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन्स को टक्कर दे सकता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और भी कोई खबरें होंगी इस फोन से जुड़ी हुई या फिर बाकी कंपनियों के नए आने वाले स्मार्टफोन के बारे में आने वाली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो कैसे लेकर मैंने बताना बिल्कुल मैं भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन्वाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाते थे कर लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया, और घंटी बटन जरूर दबा दिए ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।